हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं ब्लॉग जो डाल रही हूँ गाइस, वो ईद की है। सो बहुत लेट हो चुकी है, तो हम सुबह का टाइम हो रहा था तो हम दूध गर्म कर रहे थे। आप देख सकते हैं दूध पतीली में रखी हुई है, हमने इसे बॉयल कर लिया था। तो गाइस आप देख सकते हैं कशिश सुबह ही सुबह फ्रेश हो चुकी हैं और ये हम खीर बना रहे थे। तो गाइस ये रेसिपी मैं आपको खीर बनाने की, शीर बनाने की बहुत जल्दी देने वाली हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। तो हमने ये खीर तैयार कर दी थी और ये हमने दही को मिक्स किया था दही फुल्की के लिए। आप देख सकते हो ऐसे हमने तैयार कर लिया था दही फुल्की, दही बड़े भी कह सकते हैं आप जानते हैं। तो कुछ हमने मेहमानों के लिए यहाँ पे सर्व करने के लिए रख दिया था, कुछ काजू बादाम पिस्ता और यहाँ पे शीर पकौड़ियाँ और दही फुल्की चटनियाँ सारी चीज़ें हमने रखी थी कि मेहमान आए और खा सकें। और हमें जल्दी से जाना पड़ा था बच्चों की फूफो के यहाँ पे, मतलब कि हमारी बाजू के यहाँ पे, तो हम उनके घर पर आ चुके थे। तो गाइस मैं एक बात और बता दूं कि मैं ये वीडियोस कट करके की हूँ क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, इसलिए मैंने शॉर्ट किया है, रास्ता मैंने नहीं दिखाया। सो गाइस यहाँ पे और भी बच्चे थे हमारी बाजी के घर पे, उनकी फैमिलीज के बच्चे तो बहुत सारे गाइस, लेकिन वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम होती है, आप समझ सकते हो, है ना। तो देखिए कशिश बेड पे कैसे कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फुल मस्ती कर रहे हैं, देखिए पूरे मज़े ले रहे हैं। हम कहीं ईद में जाते तो है नहीं गाइस, अपने परिवारों में ही रहते हैं। तो बहुत लेट हो चुका है ब्लॉग डालने में ना, है ना गाइस, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो उम्मीद है कि आपको ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा ईद स्पेशल। तो यहाँ आप देख सकते हैं उनकी देवरानी का रूम है। नहीं बदमाशी मत करो। तो सारा कुछ बिखरा पड़ा था गाइस और यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे, नाइट का डिनर भी करके गए थे, शायद पता नहीं मैं इसमें डाली हूँ या नहीं डाली हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे चने छोले पकौड़ियाँ शीर ये सब दही फुल्की सब कुछ रखे हैं। और ये अफ़गानी तो आप लोग खाए होंगे, इनान तो देख सकते हैं गाइस। और मैंने मिल्क केक लिया था थोड़ा सा क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मिल्क केक। और ये भी मिठाइयाँ थी। और आते वक्त ये समंदर देख सकते हो, नहर चारों तरफ, ईद के दिन भरी हुई थी, सारी लाइटें लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे बाबू बैठे हैं नहर में पैर डालकर, अकेले अकेले ऐसे बैठे हैं जैसे किसी कोई है ही ना। और यहाँ पे हम सारी फैमिलीज मोमोज खाते हुए शाम के टाइम, आइसक्रीम मोमोज चाउमीन माइक्रोनी। तो मैं फैमिलीज को दिखा नहीं सकती गाइस क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम है, आप सब जानते हैं, है ना। और ये दही वाले गोलगप्पे ये भी आप लोग ट्राई किया करें, खाया करें, अच्छे लगते हैं, बट मैं तो पानी वाली खाती हूँ। और ये थे सांभर इडली चटनी, मुझे बहुत पसंद है डोसा। और ये माइक्रोनी, क्रीम वाली माइक्रोनी है गाइस, ये आप देख सकते हैं। कुछ हमने पैक्स भी करवा लिए थे, पानी पूरी भी और माइक्रोनी भी, क्योंकि हमें घर जल्दी जाना था, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो हमने कुछ पैक करवा लेंगे घर जाके खा लेंगे और कुछ हमने खा ही लिया था। और ये पानी वाले हैं आप देख सकते हैं, ये पानी मीठे वाले खट्टे वाले नमकीन वाले पता नहीं कैसे कैसे पानी। और ये आलू थी उसमें डालना था। हम नानी के यहाँ गए थे, नानी के
पनीर छोले बने थे और थोड़ी सी गरम गरम बिरयानी मिल गई थी और भी थोड़ी बहुत सब्जियां थी, उन्होंने बिरयानी बनाई थी। और ये सेवैया थोड़ा तो मीठा होता है ना गाइस, बिरयानी गरम गरम थी तो हमने जल्दी जल्दी से खा लिया था बिरयानी। और ये बनी थी क्या कहते हैं उसे, दालचा पुलाव थी। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी गाइस, क्या बताऊँ मैं। ये सालन है और ये देखो बूंदी वाले रायते बने थे और ये खीरा और ये रस मलाई हमारे नानू ने कराए थे तो हमने सोचा खा लें, बहुत अच्छी है। और ये चटनी, ये भी अफगानी आई हुई थी और रेड कलर की चटनी, नान सब कुछ थे गाइस। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या क्या पसंद है। और ये चाउमीन बर्गर, उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, बाय बाय, टेक केयर, फ़ियाम अल्लाह।